मल्टी किचन पुणे में आज बन रही है बहुत ही स्पेशल ऐसी श्रावण स्पेशल डिश, वो है कोथंबीर की वड़ी। सारे टिप्स और ट्रिक के साथ यहाँ मैंने ये रेसिपी आपको दिखाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए। कितनी सुंदर कलर आया है हमारे इस वड़ी को और बहुत ही सुंदर तरीके से बनी है, बहुत ही क्रंची ऐसी सिंपल तरीके से। ना हरी मिर्च हमने इसमें डाली है, ना लहसुन डाला है, बस कुछ ही इंग्रेडिएंट में जल्दी से बनने वाली कोथिंबीर की इजी और सिंपल रेसिपी। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेसिपी के लिए। ये धनिया की बड़ी बनाने के लिए ये धनिया हमने धो लिया है, नमक के पानी से धोना है। ये देखिए हरा वाला धनिया ऐसे खुला खुला होना चाहिए। नमक के पानी से धोने के बाद इसे मैंने नैपकिन पर पूरी तरह सुखा लिया, बाद में इसे कट कर लिया है मैंने। ये ऐसे पूरी तरह हमें खुली खुली चाहिए हरा वाला धनिया। और अभी इसी में हम ये पुणे की महाराष्ट्रियन की रेसिपी है, चने का आटा है, बेसन भी कहते हैं, और इसी में ये ज्वार का आटा है, ज्वार का आटा हम डालेंगे। तीखा डालेंगे। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, श्रावण स्पेशल रेसिपी है, आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए। बहुत फेमस ऐसी रेसिपी है महाराष्ट्र की, पुणे में तो हर एक घर में बनती है श्रावण आने के बाद, क्योंकि हरा धनिया खूब सारा मिलता है, सभी जगह मिलता है। अभी हमने हल्दी डाली, रेड चिली पाउडर डाली है, नमक डाला है, और इसी में एक टीस्पून दही डालेंगे। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और एक टीस्पून ये तेल डालेंगे हम इसी में। तेल डालने के बाद तुरंत ही हम इसी में पिंच ऑफ, ये देखिए मैंने पिंच ही ली है, ये खाने का सोडा डालेंगे। और फिर तिल है, तिल भी डालेंगे इसी में, आपको तिल स्वाद अनुसार आप ले लेना। और फिर इन सभी चीजों को हम हाथ से मिक्स करेंगे, स्पून से नहीं मिक्स करना है, ताकि ये धनिया को सभी तरफ से ये आटा जो हमने इसमें मिक्स किया है चने का और ज्वार का वो लग जाए पूरी तरह। हमने इसे ये मसाले भी पूरी तरह धनिया को लग जाए, इसलिए पहले हम इसे मिला लेंगे हाथ से, बाद में हम पानी से इसे मिक्स करेंगे। आटे की तरह ही हमने पानी से मिक्स करना है। अभी पहले हम मिला लेते हैं, कर लिया है। और अभी अभी मैंने करीब करीब एक टेबलस्पून ही पानी यूज किया है, इतना इतना थोड़ा सा और करेंगे। धनिया सूखा के लेने का कारण एक ही है, धनिया सूखाने के बाद ही हमने कट करना है, ताकि इसमें आटा ज्यादा ना हो और हमारी जो हरी धनिया की वड़ी है, जैसे महाराष्ट्र में इसे कहते हैं कोथंबीर की वड़ी, ये प्रॉपर तरीके से बने, अच्छी बने, इसमें आटा खाते वक्त ज्यादा ना लगे। इसलिए ये देखिए ये आटा तैयार हो गया, दो टेबलस्पून के करीब ही पानी लगा होगा या ढाई टेबलस्पून के, जैसा पानी लगेगा आप वैसा डालते जाइए, लेकिन ज्यादा पानी हमने यूज नहीं करना है, ताकि हमारी वड़ी बहुत टेस्टी बने। ऐसे तो इसे हरी मिर्च के साथ बनाया जाता है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना यूनिक और ये पारंपरिक तरीका है, क्योंकि ये श्रावण का महीना है, अगर मेहमान आ रहे हैं मुझे जल्दी से बनाना है, तो ये बिना मिर्च और लहसुन को पीसे, बिना पीसे हुए ये जल्दी से बनने वाली हरी धनिया की वड़ी। ये देखिए अभी इसे हम, ये देखिए ये गोला हमारा तैयार हो रहा है, इसका मतलब हमारा आटा तैयार है। अभी हम आगे की प्रोसेस करेंगे। इसी में दो ग्लास इस पतीले में डाला है, दो ग्लास इस पॉट में, और इसे उबाल लिया है, और ये छन्नी ली है मैंने, तेल लगाया है छन्नी को अंदर से, मेरे पास बर्तन नहीं है, मैंने ये जुगाड़ किया है, और इसी के ऊपर ये छन्नी रखेंगे हम। और अभी ये जो हमने हरा धनिया कोथंबीर की वड़ी बहुत ही प्यारी सी ये बना के लेंगे, इसके दो ही गोले हमने बनाने हैं। ये परफेक्ट हमारा मिश्रण तैयार हुआ है, जितना पानी मैंने इसमें डाला है उतना ही आप जरूर जरूर डालिए, उतना ही मेजरमेंट बराबर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए, मल्टी किचन पुणे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखते ही आप जरूर कमेंट कीजिए, रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए ये ऐसे बनाते जाना है, आप
आपको पूरे प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगी। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा आटा बन चुका है। अभी हम ये इसी में इसी तरह रख देंगे, दूसरी भी ऐसी तैयार करके रख देंगे। कोथिंबीर की वड़ी तैयार हुई है, इसे स्टीम करके भी आप खा सकते हैं। अभी हम इसे स्टीम के लिए रखा है, नीचे पानी है, ऊपर छन्नी में हमने तेल लगाया है, इस वड़ी को रखा है। अभी हम इसी के ऊपर ढक्कन रख देंगे, ये इसी तरह, और फ्लेम को हमने मीडियम पर रखना है 15 या 20 मिनट के लिए। इसे हम स्टीम होने देंगे, फिर हो जाएगी तैयार हमारी धनिया की, हरी धनिया की वड़ी, कोथिंबीर की वड़ी। हमारे 20 मिनट हुए हैं इसे हमने स्टीम किया हुआ। ये देखिए तैयार हुई हमारी हरी धनिया की वड़ी, कोथिंबीर की वड़ी। छोटे छोटे इस पर क्रैक आ जाए, बस 20 मिनट बाद बराबर ये तैयार हो जाती है। अभी हम इसे निकाल लेंगे बाहर, इस छन्नी को हमने बाहर निकालना है, और पूरी तरह हम इसे ठंडा होने देंगे, तभी हम इसे काट कर डीप फ्राई करेंगे या शैलो फ्राई करेंगे, आपको जो भी पसंद है आप कर लेना। अभी हम इसे ठंडा होने देते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी टेम्प्टिंग, ऐसी ये ऐसी भी खाई जाती है स्टीम करके, बहुत ही टेस्टी लगती है। श्रावण स्पेशल कोथिंबीर वड़ी हमारी ठंडी हुई है, देखिए पूरी तरह हमने ठंडी करनी है इसे। देखिए ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है, पूरी तरह स्टीम हुई है, ये दूसरी वाली भी। अभी हम इसे कट कर लेंगे। ये पूरी ठंडी क्यों करनी है, क्योंकि इसे कट करने में हमें आसानी होती है, इसलिए आपको पतले आकार में चाहिए या मोटे आकार में, आप उसी आकार में कट कर लीजिए। चाकू लेना है, चाकू को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते हुए हमने इसे कट किया, तो ये बहुत अच्छी तरह कट हो जाता है। ये देखिए इसी तरह ये दूसरा पीस भी ऐसे पकड़ना है हमने। ये देखिए कितना सुंदर कट हुआ है हमारी ये वड़िया, ये सभी। अभी हम इसे डीप फ्राई करेंगे, अगर आप चाहते हो तो आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसमें डाल दी है, हम शैलो फ्राई नहीं कर रहे हैं, डीप फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए ये पूरी की पूरी वड़ी इसी में जा रही है, अगर आप चाहते हो तो शैलो फ्राई कीजिए। फ्लेम को मीडियम पर रखना है हमने, तेल पहले गरम करके लेना है, तैयार हो जाएगी हमारी कोथिंबीर की वड़ी, हरे धनिया की वड़ी। तो ये है हमारी कोथिंबीर की वड़ी, देखिए कितने सुंदर कलर आया है, आप देख सकते हैं। फ्राई भी अच्छी तरह हो रही है, फ्लेम को मीडियम फ्लेम रखा है। अभी हम इसे निकाल लेंगे, फ्राई 5 या 7 मिनट में अच्छी तरह दोनों साइड से फ्राई हो जाती है, इसी कलर में हमने इसे फ्राई करना है। ये पूरी तरह फ्राई हो चुकी है, तो चलिए अभी सर्व करते हैं कोथिंबीर की वड़ी, बहुत ही प्यारी लवली ऐसी कोथिंबीर की वड़ी। की वड़ी श्रावण स्पेशल, श्रावण में ज्यादा बनाई जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर जरूर मल्टी किचन पुणे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कॉल को क्लिक कीजिए, वीडियो जरूर पूरा देखिए, रेसिपी जरूर जरूर ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, और मल्टी किचन चैनल को ऐसा ही आप सभी का साथ देते रहिए। तो ये देखिए अभी हम इसे तोड़ के भी हम आपको दिखाते हैं कितनी क्रंची बनी है, आपको आवाज, आप ये देखिए बिल्कुल क्रंच है, ये देखिए बिल्कुल क्रंची बनी है, आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए सर्व करते हैं कोथिंबीर की वड़ी।